इस वीडियो में रिव्यू के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी है, जहां पर मैं थोड़े बहुत अपने विचार रखूंगा और थोड़े बहुत आप अपने विचार रख देना कमेंट बॉक्स में। तो सैम भैया के पास शील्ड आ जाती है आखिरकार, और अब इसके बाद द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर की स्टोरी और ज्यादा बढ़िया हो जाती है। वैसे मुझे वीडियो बनाना तो नहीं था, बट क्या करूं यार, मेरे पास और कोई टॉपिक भी नहीं था, तो मैंने सोचा यार यही क्यों नहीं कर लेते हैं। एक तो यार ये मार्वल वाले 57 मिनट का एपिसोड लेके आते हैं, जिसमें 7 मिनट तो ये क्रेडिट दिखाते हैं और स्टार्टिंग के 4 मिनट बाद ये एपिसोड शुरू करते हैं। अरे इतना ही शौक है क्रेडिट दिखाने का, तो एक अलग से एपिसोड बना लो जहां पर तुम पूरे के एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट दिखाओ। खैर खैर छोड़ो छोड़ो, अब बात करते हैं 5th एपिसोड की, जिसमें ज्यादा कुछ खास तो नहीं दिखाया गया सिवाय शील्ड मिल गई, सैम भैया अपनी नाव ठीक कर रहे हैं और जिमो को वकांडा के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन उसको क्यों किया यार, ये चीज मुझे समझ नहीं है। खैर इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वैसे इस एपिसोड में एक कॉन्सेप्ट जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जिसमें एक ब्लैक इंसान का कैप्टन अमेरिका कितना ज्यादा मुश्किल है, ये इसके अंदर शो किया गया है, इसमें बताया गया है। और जैसे देखें द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर जब से स्टार्ट हुई है ये शो, उसके अंदर ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो भेदभाव हो रहा है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, और मैंने सोचा नहीं था इस तरीके से हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जो पुलिस का बिहेवियर है वाइट के प्रति कैसा है, या ब्लैक के प्रति कैसा है, या ब्लैक को कुछ भी क्रेडिट नहीं दिया जाता, उसको तकलीफ दी जाती है, जैसा इस 5th एपिसोड में देखने को हमें मिलता है। और सैम की भी अपनी मजबूरी थी कि वो इस शील्ड को अपना नहीं पा रहा था, जब कैप्टन अमेरिका ने इसको शील्ड दी थी और उसको कहा था कि तुम ही अब कैप्टन अमेरिका बनोगे। लेकिन अब जो ये 5th एपिसोड खत्म हुआ, इसके लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि सैम ने वो शील्ड अपना लिया, वो प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ, और वो अब तैयार है अगला कैप्टन अमेरिका बनने को। और ये जो अगला एपिसोड आएगा वो हमें इसमें देखने को मिल जाएगा कि भैया सैम भैया अपने कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें हमें देखने को मिलता है जॉन, जो पुराना कैप्टन अमेरिका या नया कैप्टन अमेरिका, तो जब पुराना कैप्टन अमेरिका हो चुका है, जिसे कैप्टन अमेरिका का पद छीन लिया गया है, जो अपने शरीर में सीरम इंजेक्ट करने के बाद जैसा उसके बिहेवियर में चेंज आया है, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इस वजह से इसका कोई और फायदा उठाते हुए हमें देखने को मिलता है इस एपिसोड के अंदर, जो लास्ट में इसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है और ये जो लोग तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है, ये टाई पहनने वाले लोग क्या जाने तुम्हारी वैल्यू। तो ऐसी बातें वहां पर वो जो कर रहे थे, तो साफ पता चल रहा है कि भैया इस जोन का कोई ना कोई तो यूज करेगा, इसके जो शरीर में जिसने अपने इंजेक्ट की है जो सीरम, जिससे इसका दिमाग तो भन्ना गया है, इसको सोचने समझने की शक्ति इसकी खत्म हो चुकी है। और अब बात करें जो सीन मुझे अटपटा लगा वो जीमो की, जिसमें जीमो को वकांडा के हवाले कर दिया जाता है। यार जीमो का करैक्टर इतना अच्छा है, उसमें उसमें जिस तरीके से वो बात करता है और जिस तरीके से वो मैनिपुलेट करता है, ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी जीमो का हवाले कर दिया जाएगा वकांडा के। और ये एपिसोड खत्म होते होते ये बता देता है कि जो कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके हैं, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो चुकी है, अब वो कैसे एक साथ होकर लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। अब आने वाला जो एपिसोड होगा डेफिनेटली इसमें सैम भैया अपने नए अवतार में नजर आने वाले हैं, और जब ये लड़ाई होने वाली है जो जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, और जिसमें हमें देखने को मिलता है कि वो गवर्नमेंट के जहां पर मीटिंग हो रही है वहां पहुंच चुके हैं। खैर खैर ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट कुछ चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी, फॉर एग्जांपल कि जीमो का यार वकांडा के पास चले जाना, उसको हवाले कर देना, वो चीज़ क्यों हुई ये समझ में नहीं आया। हाँ अब ये मत बोलना कि उसने किंग का कत्ल किया था, मुझे पता है, बेशक मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर इस शो में उसकी ज़रूरत थी उसको उस टाइम पर वकांडा ले जा रहा है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगा। खैर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आप लोगों ने एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर ये एपिसोड देखिए। आप मार्वल के फ़ैन हैं तो बेशक आप लोगों ने अब तक तो ये मिस किया भी नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।